दोस्तों नमस्कार। चलिए आज के इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करूंगा मैथ्स रीजनिंग का क्लास संख्या 8। इससे पहले आपके साथ में 7 क्लास तक ऑलरेडी अपडेट दे रखा, जो लोग नहीं देखे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। दोस्तों इसमें सभी आपको तर्कपूर्ण रीजनिंग होंगे। चलिए जल्दबाजी में इसकी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए आपका रीजनिंग दिया गया है इस तरह से। अब इसको कहता है यहाँ क्या होगा, देखिए इसका ऑप्शन दिया गया, आंसर आपका 1 हो जाएगा, लेकिन किस तरह से होगा चलिए उसको देखते हैं। देखिए ये इसको इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 36 18। इसको देखिए स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया तो ये हो गया आपका 324। इसको इसको गुना करेंगे, एक और एक को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक और एक गुना कीजिएगा तो हो जाएगा एक, इसको भी स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1। देख लीजिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 भी आसान है लेकिन थोड़ा यहाँ आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिए इसको कैसे बनाया, 2 यानी बड़ा में छोटा घटा दिया, बड़ा में छोटा घटा के यहाँ लिख दिया, बड़ा में छोटा घटा के यहाँ लिख दिया, इस तरह से इसको बनाया गया। तो चलिए बनाते हैं, 2 में से 1 गया 1 हो गया, 6 में से 3 को घटाएंगे 3 हो गया, 5 में 4 घटाएंगे 1 हो गया, इस तरह से लिख लिया है। अब देखिए यहाँ देखिए क्या क्या, 4 में से 2 घटाए 2, 6 में से 2 घटाया 4, 8 में से 0 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से इसको भी बना लेंगे, तो देखिए 7 में से 5 जाएगा तो यहाँ 2, 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 9 में से 3 जाएगा 6, चलिए ऑप्शन देखते जाइए, देखिए ये टैली कर रहा है। उसके बाद देखिए 3 में से 1 जाएगा 2, आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दोस्तों चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया गया है, इसमें कहता है यहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ देखिए यहाँ 5 बढ़ाया, उसके बाद देखिए 7 बढ़ाया, उसके बाद देखिए कितना बढ़ाया आपको 9 बढ़ाया, उसके बाद 11 बढ़ाया, अब कितना बढ़ाएगा 13 बढ़ाएगा, यानी पहले 5 बढ़ाया, उसके बाद 7 बढ़ाया, उसके बाद 9 बढ़ाया, उसके बाद कितना बढ़ाया 11 बढ़ाया, अब 13 बढ़ाएगा। तो 37 में 13 अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 0 4 5, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका मैथ का क्वेश्चन, देखिए दिया गया है कॉट 52 डिग्री बराबर बी है तो tan 38 डिग्री का मान होगा। दोस्तों यह है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। देखिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए फिगर बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए इसमें एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, इसमें क्या होगा एक आपको 90 डिग्री कोण होगा, समकोण होता है। और दोस्तों देखिए यहाँ दिया है कॉट 52, यानी दो न्यून कोण होगा इधर और इधर, देखिए एक 52 आपको दे दिया है, ये किसी एक को मान लीजिएगा। दोस्तों आप जानते होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 के बराबर होता है। जब ये 52 हो गया ये कितना हो जाएगा 38, जब ये देखिए दोस्तों 52 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 38। अब देखिए अब एक चीज देखिए, कॉट 52 डिग्री बराबर बी, यानी आप फार्मूला जानते होंगे कॉट बराबर आधार बट्टा क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है, क्या होता है आधार बट्टा लंब होता है, इसके बट्टा में एक हो गया, आधार आपका कितना हो गया बी हो गया, आधार बी हो गया। तो दोस्तों ये हो गया आपका लंब, इसके लिए ये हो गया लंब, ये हो गया लंब, इसके लिए यहाँ देखिए थीटा का सामने का कोण लंब होता है, 52 के लिए लंब ये हो गया, तो लंब आपका यहाँ क्या हो गया 1, और देखिए आधार कितना हो गया ये थीटा के लिए 52 के लिए बी हो गया। अब दोस्तों आप क्या कहता है टेन 38 निकालने के लिए कहता है, चलिए टेन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। अब दोस्तों एक चीज में बता दूं, देखिए थीटा इधर आ गया, इसके सामने भुजा हो जाएगा लंब, लंब कितना हो गया आपका बी, लंब कितना हो गया बी हो गया, सामने भुजा लंब होता है और इधर का भुजा हो जाएगा आधार एक। तो टेन 38 का मान देखिए आपका सिंपल बीम आ गया कितना हो गया, यह हो गया आपका बी, इस तरह से इसका आंसर आपका बी हो गया। दोस्तों ये बहुत ही आसान था, वैसे इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये सब फॉर्मूला का कमाल है, इसमें देखिए आप जानते होंगे कॉट
90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और जानते होंगे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपको क्या होता है दोस्तों, ये होता है आपको कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। उसी तरह से इसको बनाएंगे, चलिए इसको चेंज कर लेते हैं। कॉट कितना हो जाएगा, 90 माइनस 38, कॉट 90 माइनस 38 बराबर ये क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। कॉट 90 माइनस 38 हो जाएगा आपका बी। अब दोस्तों कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है, थीटा की जगह ये है, ये हो जाएगा टेन 38, टेन 38 बराबर बी हो गया। इसका आंसर इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इसे आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 5 को देखते हैं दोस्तों, ये सारा आसान क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये 5 नंबर क्वेश्चन में आप ओनली सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत आसानी से बन जाएगा। तो दोस्तों देख लीजिए, ये हो गया आपका साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। इसे देखिए कुछ मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब इसका अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इसको आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से, उसी का यहाँ यूज आएगा, ये हो गया। अब दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, यहाँ देखिए इसको यूज करेंगे, यानी इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे देखिए यहाँ से कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा भागा, देखिए ये बट्टा में है कॉसेक थीटा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब दोस्तों देख लीजिए, अब यहाँ क्या हो गया, ये कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, देखिए ये भिन्न का भाग हो गया, गुणा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी आपको कुछ न कुछ फॉर्मूला का यूज होगा, ये हो गया साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ, यहाँ देख लीजिए कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अब मैं बता दे रहा हूँ, साइन का जो उल्टा होता है दोस्तों, साइन का उल्टा होता है एक बट्टा कोसेक थीटा होता है। तो क्या करेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, इसके जगह पे साइन थीटा लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। दोस्तों देखिए ये कट गया, इसे देखिए ये कट गया, क्या बच गया आपका, साइन थीटा बच गया, इसका आंसर साइन थीटा होगा। दोस्तों समझाने के लिए मैं इतना बड़ा बनाया हूँ, यदि आप ये सब समझ गए बहुत जल्दबाजी में इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये सब आपका एडवांस का क्वेश्चन है दोस्तों, इसके लिए देखिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए इसमें दोस्तों क्या कहता है, एक बहुभुज पे प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या होगी, भुजाओं की संख्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन रहे और बाह्य कोण निकालने के लिए कहे, तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, 360 बट्टे एन होता है। जब ये बाह्य कोण निकालने के लिए कहे तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। इसी में देखिए अंतः कोण निकालने के लिए, अंतः कोण निकालने के लिए यदि कहे, इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n माइनस फोर 90 बट्टा एन होता है। प्रत्येक कोण कहेगा, यहाँ याद रखिएगा, प्रत्येक कहेगा अंतः कोण निकालने के लिए, तब बट्टा एन दीजिएगा, अन्यथा एन आप नहीं दीजिएगा। ध्यान रखिए यहाँ फॉर्मूला ये लगेगा, बाह्य कोण कह रहा है। तो देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, 360 बट्टे कितना रखेंगे, 72, देखिए 5 में आ जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 7 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका है 7 नंबर, उसमें भी देखिए इसमें दिया हुआ है आपका माध्यिका। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, आरोही या अवरोही क्रम से सजाते हैं, घटते या बढ़ते क्रम से सजाते हैं। अब दोस्तों देखिए जैसे 1 2 3 4 चार को आ गया है, तो इसको सबसे पहले ये डाटा दिया गया, इसको क्या करेंगे, आरोही या अवरोही यानी घटते या बढ़ते क्रम इसको सजाएंगे। देखिए अब दोस्तों बढ़ते क्रम से सजाएंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से डॉट करके बढ़ेगा, और इसको घटते क्रम में जब सजाएंगे तो आप जानते होंगे 199
98, 97 इस तरह से घटते क्रम होता है, और ये हो गया आपका बढ़ते क्रम। तो चलिए इसको क्या करते हैं, किसी क्रम में सजा लेते हैं। तो देखिए ये 1.9 है और दिया गया उसके बाद कॉमा 3.6, उसके बाद देखिए दिया गया है 5.8, उसके बाद दिया गया है 8.4। इस तरह से मैंने क्या किया, इसको बढ़ते क्रम सजा लिया। अब देखिए इसका क्या फंडा होता है दोस्तों, यदि ये जैसे देखिए 1, 2, 3, 4 चार है, तो चार में देखिए इधर से एक लीजिए, इधर से एक लीजिए, दो बीच में बच गया, दोनों को जोड़ दीजिए, दो से भाग दीजिए। देखिए यदि 5 रहता तो क्या करते, देखिए दोस्तों जैसे 1, 2, 3, 4, 5 पांच डिजिट रहता और इसका माध्य का पूछता, क्या करते एक इधर छोड़ते, एक इधर छोड़ते, एक इधर से एक इधर, बीच वाला संख्या आपका माध्य का होता है, 3 हो जाए माध्य का। लेकिन यहाँ क्या है, 2 यानी 4 जो है आपका इसमें एन का मान दिया हो, 1, 2, 3, 4 चार रहेगा, 6 रहेगा, ये सब बीच वाले को जोड़ेंगे, दो बीच वाले को जोड़ के दो से भाग देंगे। देखिए इसको जोड़िएगा 8, 6, 14, 5, 3, 8, 1, 9 देखिए 8, 6, 14, 5, 3, 8, 1, 9 ये 10 हो गया, दो से भाग दे दीजिएगा, दो से जैसे ही भाग दीजिएगा देखिए 4×8.7 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 4×8 हो गया, 1 आ गया और यहाँ क्या हो गया 14, तो 2×7=14, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से माध्यिका को बनाते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन लिखाएंगे, तब तक के लिए इतना ही, फिर अगले बनाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।